कोविड के बाद अब जिले में डेंगू ने डंक मार दिया है। हाल ये है कि जिला अस्पताल का मेडिकल वार्ड फुल हो गया है और सर्जिकल व ईएनटी वार्ड में भर्ती करके मरीजों को उपचार दिया जा रहा है। रोजाना 15 से ज्यादा मरीजों को प्लेटलेट भी चढ़ाया जा रहा है। दरअसल डेंगू से निपटने के लिए सरकारी तैयारी अभी तक केवल कागजों पर ही दिखाई दे रही है। मलेरिया अधिकारी भले ही कह रहे हों कि उनकी 15 टीमें शहर में सर्वे कर रही हैं और लार्वा नष्ट कर रही हैं, लेकिन जमीन पर ये टीमें कहीं नजर नहीं आ रही। नतीजा, घर घर में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। अब तक ये संख्या 270 का आंकड़ा क्रॉस कर गई है। डेंगू का असर सरकारी अस्पताल में भी दिखाई दे रहा है। अब अधिकतर मरीज डेंगू के ही आ रहे हैं। हाल ये है कि जिला अस्पताल का मेडिकल वार्ड पूरी तरह भर गया है। इसके चलते सर्जिकल और ईएनटी वार्ड खुले गए हैं। अब इनमें मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। डेंगू का जोर कितना है ये खुद जिला अस्पताल के डॉक्टर अजय निगम बता रहे हैं। निगम के अनुसार रोजाना बुखार के मरीज आ रहे हैं, अधिकतर में प्लेटलेट कम होने की शिकायत है। जिला अस्पताल में ही रोजाना 10 से 15 मरीजों को प्लेटलेट चढ़ाया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि अभी तक एक भी मरीज को इंदौर रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ना ही एक भी मौत डेंगू से हुई है। निगम के अनुसार सरकारी अस्पताल में डेंगू का बेहतरीन इलाज उपलब्ध है। पेशेंट 4-5 दिन का बुखार से आ रहे हैं और लोग बाग प्राइवेट में प्लेटलेट की जांच करा के आ रहे हैं। हर प्लेटलेट कम वाला पेशेंट डेंगू पॉजिटिव नहीं है। डेली हम लोग 10-12 यूनिट प्लेटलेट लगा रहे हैं, 5-7 यूनिट कंप्लीट ब्लड पिक्चर दे रहे हैं, उसको पैक्सल वॉल्यूम दे रहे हैं। बुखार आने पे खुद दवा लेता है, मेडिकल स्टोर से ले लेता है और छोटे डॉक्टरों से दवा ले लेता है, और वो जो पेन किलर्स हैं उनके कारण से प्लेटलेट घट जाते हैं। अगर वो थोड़ा वेट कर ले और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट को प्रोटोकॉल को फॉलो करे तो ये समस्या से नहीं उसको भुगतना पड़ेगा।